सनातन धर्म की महिमा। प्राचीन सनातन काल से चले आए प्रकाश को देखकर अर्थात अग्नि प्रदीप्त होते ही लज्जा रहित भय रहित निर्भय होकर यज्ञ कर्म करने वाले याजक, हमारे हजारों यज्ञों को पूर्णता करने वाली गौ से ऋषि तुल्य, गौ से दीर्घ बढ़ाने वाले पवित्र, दूध को निकालते हैं, दोहते हैं, अग्नि के प्रदीप्त होते ही उसके प्रकाशक में गौ का दोहन करके दूध निकालते हैं और दूध हवन किया करते हैं। अग्निदेव शरीर की सुरक्षा करता है, दीर्घ आयु देता है, तेज बढ़ाता है और शरीर में जो न्यूनता होती है उसे दूर करके और शरीर हृष्ट पुष्ट और सरल बना देता है। इसलिए यज्ञ के द्वारा अग्नि की उपासना करनी चाहिए। हम सब लोग अन्न को प्राप्त करें, बल को बढ़ावें, किसी के दबाव में ना आवें, अग्नि को जगाते हुए 100 हिम कालों तक अग्नि की उपासना करते रहें। 100 वर्ष तक अग्नि की सेवा करने के लिए कम से कम 108 वर्षों की आयु होनी चाहिए और इस आयु के अंत तक हम बल, सामर्थ्य, अन्न और आत्म प्रभाव से युक्त रहें। तेजस्वी, अन्नवान, बलशाली शत्रु को दबाने वाले अग्नि की हम उपासना करें, जिससे हमारे अंदर तेज, अन्न, बल, वीर और शत्रु के नाश का सामर्थ्य बढ़ता रहे और हम शत्रु के लिए दुर्जय हो जाएं। चित्रावसु रात्रि का नाम है, इसमें विचित्र विचित्र ग्रह नक्षत्र बसते हैं, दिखाई देते हैं। हे रात्रि, हम तेरे पार सुख से हो जाएं। इस प्रार्थना में आया हुआ रात्रि शब्द अहोरात्र का वाचक है या दीर्घ रात्रि का यह मननीय है। इस भूमि पर ऐसे भी स्थान हैं कि जहाँ 12 घंटों से लेकर 6 मास तक रात्रि की अवधि न्यूनाधिक होती है। यह प्रार्थना छोटी सी रात्रि की है या दीर्घ रात्रि की है अथवा सब प्रकार की है, यह विचार के योग्य है। सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए, ऋषियों के स्त्रोतों का अध्ययन करना चाहिए, प्रिय धाम की प्राप्ति करनी चाहिए, अपना घर, अपना स्थान, अपना देश प्रिय होना चाहिए, दीर्घायु, तेजस्विता, उत्तम संतान और घन के साथ पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अग्नि की उपासना से यह प्राप्तव्य है। यह गौ की प्रार्थना है। गौएं दूध देती हैं और दूध ही उत्तम अन्न है, इसलिए गौ को अन्न कहा है। हे गौ, तुम अन्न रूपी दूध देने के कारण अन्न स्वरूप हो। तुमसे अन्न प्राप्त करके मैं उसका सेवन करूँगा। प्राण को धारण करने वाले अन्न को अंध कहते हैं। हे गौ, तुम पूज्य हो, मैं तुमसे पूज्यता प्राप्त करूँ। तुम बलयुक्त हो, बल देने वाली हो, तुमसे मैं बल प्राप्त करूँगा। तुम्हारे दूध के सेवन से मुझे बल प्राप्त होगा। धन का पोषण तुमसे होता है, अन्न आदि की उत्पत्ति तुमसे और बैलों की उत्पत्ति भी तुमसे होती है, इसलिए तुमसे अन्न की पुष्टि में प्राप्त करूँगा। अर्थात मैं अन्न, महत्व, बल और पोषण युक्त होकर उन्नति करूँगा। गौ धन वाली है, गाय ही धन है। दूध से शरीर के बल रूपी धन का पोषण होता है। बैल उत्पन्न करके गाय धन धान्य रूप धन की वृद्धि करती है। इस तरह जो सब तरह से राष्ट्रीय धन की वृद्धि करती है, इसलिए गौ के रेवती धन वाली कहा है, जो सर्वथा योग्य है। योनि रहने का अर्थ जन्म स्थान, गोष्ठ, गौशाला, गायों का बाड़ा। मनुष्य जिस मोहल्ले या गांव में रहते हैं वह देश, क्षयम, निवास स्थान, इन स्थानों में गायें सुख रूप से रहें, विचरें, क्रीड़ा करें, आनंद से घूमें, इन्हें भय देने वाली कोई दुष्ट इन स्थानों में न रहे। इन स्थानों में गाय बढ़ें और बड़े उन्नत होती रहें। सब प्रजाएं गौ दूध पीकर पुष्ट हों। यज्ञ से गौ की रक्षा होती है और जनता का कल्याण इस रीति से होता है। गौ विश्व रूपी है, अर्थात श्वेत, लाल, काली या अनेक रूपों वाली हैं, अथवा सब विश्व को, अनेक प्राणियों को रूप देने वाली, पोषण करके स्वरूपता देने वाली हैं। सब सो मानवों को बचा सकती हैं। सब गौ अनेक विपत्तियों से गुणों का संगठन इस गौ में है। यह गौ सत्र बल स्वरूप हैं, क्योंकि दूध आदि अन्न देकर सबका बल बढ़ाती हैं। ऐसी गौएं मेरे पास रहें और मैं इन गौओं का स्वामी बनूँ, यह इच्छा प्रत्येक मनुष्य की हो। इस तरह की गायें मेरे पास घर में रहें। प्रतिदिन सवेरे और शाम को हविर द्रव्य समर्पण करके लोग अग्नि की उपासना किया करें। यज्ञ घर में, घर घर में सुबह शाम होता रहे, जिससे रोग दूर होकर आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होकर मानवों का सुख बढ़े। अग्नि प्रकाशता है, हिंसा रहित सत्कर्म की रक्षा करता है, अर्थात हिंसा रहित, कुटिलता रहित,
शुभ कर्मों को फैलाने वाला है, स्वयं धर्म का प्रकाशक है, सरलता युक्त सत्य धर्म का प्रवर्तक है और अपने यज्ञ स्थान में हवन आदि द्वारा यह सदा बढ़ता रहता है। यह अग्नि का वर्णन है। अग्नि ही यज्ञ मार्ग का प्रवर्तक, संवर्धक और प्रसारक है। यज्ञ ही सब मानवों का कल्याण करने वाला प्रशस्त कर्म है। यह यज्ञ कर्म अग्नि से सिद्ध होता है, इसलिए अग्नि की उपासना करना मानवों के लिए उचित है। पुत्र जिस प्रकार पिता के पास आसानी से ही जाता है, बीच में किसी की जरूरत नहीं होती, उसी तरह प्रभु के पास हम पहुँचें, जिसकी भक्ति से कल्याण प्राप्त करें। स्वस्ति सो अस्ति अर्थात उत्तम अस्तित्व हमारे लिए यहाँ का जीवन सुखमय हो। अग्नि हमारे पास ही है, क्योंकि उसने ही सबको रूप दिया है, अतः वह सबके पास है। वह सबका रक्षक है, सबका हितकारी है, घर में रहने वाला साथी है। सब संपूर्ण विश्व रूपी घर में अकेला अग्नि व्यापक है, तब सभी का वह साथी है। अग्नि रूप हम सब में संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप का प्रतिरूप हुआ है। इस तरह वह सबका हितकारी मित्र है। यह सबका निवास करने वाला सर्वत्र जिसकी कीर्ति फैली है, ऐसा कीर्तिमान है, वह हमें प्राप्त हो। हम उसके तेज से तेजस्वी और कीर्ति से कीर्तिमान बने। वह अग्नि हमें अत्यंत तेजस्वी धन देवे, अर्थात ऐसे धन देवे कि जिसके तेज से हम तेजस्वी बने। हम सब तेजस्वी प्रतापी अग्नि को इसलिए प्राप्त करते हैं कि वह हमें सुमनाय सुख देवे और सखीभ्यः हमारे इष्ट मित्रों का हित करें। वह हमारे भाव को बोधि समझें अथवा जाने, हमारी प्रार्थना श्रुति सुने और सस्मात अधायतः सब प्रकार के पाप करने वाले पापी लोगों से हमारा बचाव करें। ईश्वर उपासना से पापी जनों की कुटिल कार्रवाइयों से बचाव होता है, यह बात यहाँ सूचित की है। गौ के तीन नाम यहाँ कहे हैं, इड़ा जो अन्न देती है, दूध दही मक्खन घी छाछ आदि पुष्टिकारक अन्न देती है, इसलिए गौ को इड़ा कहते हैं। इड़ा इरा इला आदि नाम एक ही अर्थ से वाचक हैं। अदिति अदनात जो अन्न रूप है, जो वक्षण किया जाता है, उक्त प्रकार दुग्धाद रूप अन्न देने से ही गौ का यह नाम हुआ है। इसका दूसरा अर्थ अदिति अदीना है, जो दीनता को हटा देती है और उन्नति लाती है। यह गौ काम्या है, अर्थात सबकी इच्छा होती है कि वह अपने पास अपने घर में रहे, इसका दूध हमें प्राप्त हो और इसका दूध पीकर मेरे घर के लोग हृष्ट पुष्ट और अधीन बने तथा मैं इनके दूध से यज्ञ करूँ। गौ का यह वर्णन उसका महत्व बताता है। गौ के विषय में जो यह काम धरण कामनाओं की धारणा है, गौ से जो यह सिद्धि मिलती है वह मुझे प्राप्त हो, अर्थात गौएं मेरे पास बहुत रहें और उनके खीर से मेरा यज्ञ सफल होता रहे और उनसे प्राप्त होने वाले अन्न से मेरे सब पारिवारिक जन तथा इष्ट मित्र हृष्ट पुष्ट तथा निरोगी बने। ब्राह्मणस्पति है जो संपूर्ण ज्ञान का अधिपति प्रभु है। हे प्रभु, तू सोम याग करने वाले को तू अरणम उत्तम प्रगति से युक्त उत्तम तेज से युक्त कर। जिस तरह उसिक ऋषि के पुत्र कक्षीवान को ज्ञानवान तेजस्वी और प्रगति संपन्न किया था, वैसा मुझे करो। उसिक वह जो उन्नति चाहता है, कक्षीवान वह जो कक्षा कमर कसिनी रस्सी वाला होता है, कमर कस कर उन्नति के कार्य करने को जो तैयार होता है, उसके ये सांकेतिक नाम हैं, जो अपनी उन्नति का साधन करने के लिए सदा कटिबद्ध रहता है, उसको किस तरह प्रभु की सहायता होती है, वैसे मुझे हो, क्योंकि मैं भी अपनी उन्नति चाहता हूँ और तदर्थ हर एक प्रकार से मैं यत्न दक्षता पूर्वक कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु की सहायता चाहता हूँ वह मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मणस्पति ज्ञान का स्वामी है। प्रभु रेवान सब प्रकार के धनों से युक्त है, कोई धन उसके पास नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभी हा आम से उत्पन्न होने वाले सब रोगों को दूर करता है और निरोगता देता है, यहाँ रोगों का कारण आम है ऐसा कहा है। अपचित अन्न का नाम आम है। अमवान अर्थात जहाँ आम होता है वही रोग है। अमीव नाम रोग है।
अमी वह अमी आम से उत्पन्न रोगों का नाश करता, प्रायः सब रोग अपचित अन्न से सब रोगों से अपना बचाव करता है। यह वसुविद धनों को यथावत जानता है और सब वस्तुओं का ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है, अतः यही पुष्टिवर्धन पुष्टि का संवर्धन करने वाला है और हमारा साथी होकर हमारी सहायता करे, अर्थात हम ऐसे कर्म करें जिससे वह प्रसन्न होकर वह हमारी पूर्ण रीति से सहायता करें।